दोस्तों यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 को इंतजार कर रहे तमाम छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आई है। उनके टाइम टेबल जारी हो गए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं यूपी बोर्ड एग्जाम टाइम टेबल 2023 जारी हो गया। यहाँ आप देख सकते हैं आपके 16 फरवरी से एग्जाम है। आपको कैसे आप टाइम टेबल 2023 को डाउनलोड करेंगे, वीडियो में पूरा देखने को मिल जाएगा कि आप टाइम टेबल को कैसे डाउनलोड करेंगे, जिससे आपको पता चल जाए कि आपका कौन सा पेपर किस दिन है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप जाकर वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे आसानी के कौन सा पेपर किस दिन है। यहाँ आप देख सकते हैं यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 डेट शीट आउट, 16 फरवरी से होंगे यूपी बोर्ड की परीक्षा। यहाँ आप देख सकते हैं अमर उजाला न्यूज पर पब्लिश बाय देवेश शर्मा द्वारा 10 जनवरी को 1:18 पर जारी हुआ है। आइए देखते हैं कि कौन से पेपर किस दिन है और वीडियो के अंत तक बने रहे। आइए देखते हैं कैसे आप टाइम टेबल को डाउनलोड करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं यूपी बोर्ड एग्जाम डेट शीट 2023 आउट, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद UPMSP की ओर से कक्षा 10वीं और 12वीं के मुख्य यानी वार्षिक बोर्ड परीक्षा समय सारिणी की घोषणा कर दी गई है। UPMSP द्वारा जारी आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार यूपी बोर्ड की वार्षिक परीक्षा 16 फरवरी 2023 से शुरू हो रही है, जहाँ यूपी बोर्ड कक्षा 12वीं की ओर से हिंदी विषय के साथ शुरू होगी, तो वहीं कक्षा 10वीं की परीक्षा सैन्य विज्ञान विषय के साथ होगी। वहीं कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा शुक्रवार 3 मार्च को सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में खत्म होगी। वहीं कक्षा 12वीं की परीक्षा 4 मार्च को रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री और समाजशास्त्र के पेपर के साथ समाप्त होगी। यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 टाइम टेबल डाउनलोड करने के लिए सीधा लिंक, आप कैसे अपने टाइम टेबल को डाउनलोड करेंगे। यूपी बोर्ड 2023 परीक्षा तिथियों की घोषणा हो जाने के बाद छात्र उसे आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in के माध्यम से एग्जाम डेट शीट देख और डाउनलोड कर सकते हैं। छात्रों की सहायता के लिए हमने यहाँ यूपी बोर्ड परीक्षा टाइम टेबल डाउनलोड करने के लिए सीधा लिंक उपलब्ध कराया है। यूपी बोर्ड एग्जाम टाइम टेबल 2023 जारी हो गया। यहाँ आप देख सकते हैं 16 फरवरी से आपके एग्जाम स्टार्ट होंगे। यहाँ आपको पूरा टाइम टेबल देखने को मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप जाकर वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे आसानी कौन सा पेपर किस दिन है।